नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, सातवां चरण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फिर से शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। और देखिए, यहाँ पर स्पष्ट जो है इस बयान में कहा गया है कि 6 माह के भीतर, देखिए लिखा है कि शिक्षा विभाग में होगी बम्पर बहालियाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए लिखा है, इन पदों पर होगी नियुक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के 90,000 से अधिक पद, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक के करीब 1 लाख से अधिक पद, विवि में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर करीब 10,000। तो देखिए लिखा है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दावा किया है कि महागठबंधन सरकार बिहार में जितने भी रोजगार देगी उसमें 25% 1/4 भाग नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा। शिक्षकों के करीब 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। उन्होंने दावा किया कि विभाग में कुछ कमियां हैं, उन्हें सुधारा जा रहा है। और देखिए स्पष्ट लिखा है, शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में पहले भी सकारात्मक बदलाव किए थे जिसे पूरे देश में सराहा गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण के लिए शिक्षा विभाग के विभिन्न विंग, मसलन देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 90,000 से अधिक, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के मुताबिक नियमावली पर हरी झंडी मिलनी बाकी रह गई है। दरअसल नई नियमावली के जरिए विभाग पुराने सिस्टम में आमूल बदलाव करने जा रहा है। आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया बदली जा रही है। तो बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है और विभाग कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तैयारी में है और कई सारी नियुक्तियां हो रही हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक के 5,000 से अधिक पद विद्यालयों में दे सकते हैं, लिखा है। विद्यालय सहायक और प्रचायकों के नियुक्ति भी की जानी है। तो स्पष्ट खबर आ रही है, पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए, इन पदों पर बहाली जो है होनी है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो गया, प्राथमिक और मध्य विद्यालय हो गए, विवि में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद हो गए, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक के पद हो गए। तो देख लीजिए स्पष्ट है यहाँ। आगे देखिए दोस्तों, लिखा है कि शिक्षकों की नियुक्ति को सीटेट के लिए 31 से पढ़ेंगे आवेदन। स्पष्ट कर दिया गया है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए 31 से जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है दोस्तों शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने आवेदन की शुरुआत नहीं की है तो जल्द से जल्द शुरुआत कर लें, क्योंकि इसके बिना दोस्तों आप शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है, आप सीटेट में आवेदन कीजिए, क्योंकि सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया है, इसमें देरी होने के आसार हैं। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको शिक्षक नियुक्ति में ज़रूर मौका मिलेगा। तो देख लीजिए दोस्तों पूरी अपडेट। तो पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाएँगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।